दोस्तों आप देख रहे हैं बैक टू इंजीनियर। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 160R BX6 और यमहा FZ25 BX6 का, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन दोनों बाइक्स के फीचर में क्या क्या फीचर इनके सेम है और क्या क्या फीचर में इनके डिफरेंस है। सबसे पहले हम हीरो एक्सट्रीम 160R के प्राइस की बात करें तो जो इसका एक्सरूम प्राइस है वो 1 लाख रुपए है और यमहा FZ25 BX6 का जो प्राइस है वो 1,52,000 रुपए है। यानी कि यमहा FZ25 BX6 हीरो एक्सट्रीम से लगभग 50,000 रुपए ज़्यादा महंगी बाइक है। अगर इन दोनों बाइक्स के स्टार्टिंग मैकेनिज्म की बात करें तो जो हीरो एक्सट्रीम 160R बाइक है वो बाइक सेल्फ और किक दोनों से स्टार्ट होती है, लेकिन यमहा FZ25 BX6 सिर्फ सेल्फ से ही स्टार्ट होती है, ये बाइक किक से स्टार्ट नहीं होती है। अगर हीरो एक्सट्रीम 160R BX6 के माइलेज की बात करें तो इस बाइक में हमें 40-50 का माइलेज देखने को मिल सकता है और यमहा FZ25 BX6 में हमें 40-45 का माइलेज देखने को मिल सकता है। अगर हीरो एक्सट्रीम 200R के वेट की बात करें तो इसका वेट है 138 किलोग्राम और यमहा FZ25 BX6 के वेट की बात करें तो इसका वेट है 153 किलोग्राम। यानी कि यमहा FZ25 BX6 हीरो एक्सट्रीम 160R से 15 किलो वजन में ज़्यादा है। अगर दोनों बाइक्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो हमें हीरो एक्सट्रीम 160R BX6 में हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जबकि यमहा FZ25 BX6 में हमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यानी कि यमहा FZ25 BX में हमें 2 लीटर का फ्यूल टैंक ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इन दोनों बाइक से ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हीरो XR BX6 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm है और यमहा FZ25 BX6 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है। अगर दोनों बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो हीरो एक्सट्रीम 160R में हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और रियर में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जबकि यमहा FZ25 BX6 में भी हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और रियर में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। दोनों बाइक से अगर हम टायर्स की बात करें तो दोनों बाइक्स में हमें सेम टू सेम ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। अगर हीरो एक्सट्रीम 160R के हम मीटर्स की बात करें तो इसमें जो ट्रिम मीटर है, टैकोमीटर, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, यानी कि सारे के सारे मीटर हमें डिजिटल देखने को मिलते हैं और हमें फ्यूल गेज भी देखने को मिलता है। ऐसा ही सेम टू सेम हमें यमहा FZ25 BX में स्पीडोमीटर हो गया, टैकोमीटर हो गया, ट्रिम मीटर हो गया और हमें फ्यूल गेज भी देखने को मिलता है। अगर दोनों बाइक्स के हम इंजन की बात करें तो हमें हीरो एक्सट्रीम 160R में हमें 163 cc का इंजन देखने को मिलता है और यमहा FZ25 BX6 में हमें 249 cc का इंजन देखने को मिलता है। अगर दोनों बाइक्स के हम कलर्स ऑप्शन की बात करें तो हमें हीरो एक्सट्रीम 2X6 में हमें 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पे आता है रेड कलर, नंबर 2 पे आता है वाइट कलर और नंबर 3 पे आता है ब्लू कलर, जबकि यमहा FZ25 BX6 में हमें 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पे आता है मेटालिक ब्लैक और नंबर 2 पे आता है रेसिंग ब्लू। अगर दोस्तों दोनों बाइक्स की लेंथ की बात करें तो जो हीरो एक्सट्रीम 160R की लेंथ है वो है 2040 mm और यमहा FZ25 BX6 की जो लेंथ है वो है 2015 mm। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।